अपने आप को साधुवाद में विश्वास रखता हूँ, साधुवाद मेरी नीति है, मैं लोगों का इस तरह कैसे स्वागत और ये मेरा मैं करता हूँ, मैं विश्वास रखता हूँ धर्म में। मैंने 2010 में एक हमारा बाबा जाटा का कुलदेवता हमारे टाटला शिक्षा की बात थी, हर आदमी हर गांव का समाज का व्यक्ति चाहता है मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। शिक्षा के लिए हमारे गांव में बहुत ही आधुनिक कहूँगा मैं, सरकारी स्कूल है वैसे लेकिन आधुनिक है वो, राजकीय उच्च पाठशाला से कनीना PWD रोड तक वो रोड बनवाया 50 करोड़ रुपए का PWD से बना जी। अब आपके महेंद्रगढ़ जिले में आ गया है RK इंटरप्राइजेज। किसान भाइयों के लिए खुशखबरी ये है, अब आप बनवा सकते हैं ट्रैक्टर के लिए ट्रॉली व डंफर, साथ में आप बनवा सकते हैं चौखट, जंगले, लोहे से बने अन्य वस्तु, नए पुराने पोली हाउस बेचने या वे खरीदने के लिए संपर्क करें। यहाँ पर मिलेगी आपको लोहे से बनी विभिन्न प्रकार की हर वस्तुएं, लोहे के ट्यूब, एंगल व पंप लेने के लिए भी संपर्क आप कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है नजदीकी शिव शक्ति धर्मकाटा मोड़ी मंदोला रोड भोजावास जिला महेंद्रगढ़, आपका अपना RK इंटरप्राइजेस भोजावास। संपर्क करें 9416773726 व 7015828460। नमस्कार साथियों, आप कैसे हैं सभी? आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से दैनिक हरियाणा ICT मीडिया के अंदर। जैसे कि हम आपको दिन प्रतिदिन किसी न किसी गांव के सरपंच से रूबरू करवा रहे हैं और उनके विकास कार्यों को लेकर के आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, वैसे ही आज हम पहुंचे हैं अटेली विधानसभा के क्षेत्र, एक गांव है बोचड़िया। बोचड़िया के सरपंच के हम आपसे रूबरू करवाएंगे कि उनके गाँव के अंदर क्या विकास कार्य हुए हैं और क्या कुछ बाकी रह गया है जो वो करवाने के लिए आगे बढ़। और सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा सरपंच साहब का, कुलदीप जी का। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी, आप ऐसा जो कार्य कर रहे हो, एक हम मानते हैं देश का चौथा स्तंभ है आप जी, और देश की गांव समाज की आप बातों को मुद्दों को उठाते हैं और मैं आपके सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप इनसे जुड़ रहे हैं और आप ऐसे ही काम करते रहें, देश के विकास के लिए आपकी भागीदारी बहुत ज़रूरी होती है। तो सर आपने लास्ट ही अपनी जो योजना चली हुई है आपकी इस योजना के अंदर आपके कार्यकाल में 4.5 साल के अंदर जी, मतलब क्या कमी थी गांव के अंदर और वो कमी आपने कितनी पूरी की है और कहां तक अपनी वो पूरी कर पाए हैं? देखो पवन जी, वैसे तो क्या है, आदमी जब तक रहेगा, जब तक गाँव समाज रहेंगे, विकास तो किसी ना किसी रूप में होता रहेगा। हर आदमी को टाइम के अनुसार ज़रूरतें चेंज होती हैं, उसकी ज़रूरतें बढ़ती रहती हैं, ऐसे ही मैं आपको बताऊं गांव समाज की भी ज़रूरतें टाइम टू टाइम बढ़ती रहती हैं और विकास सरकार के नॉर्म्स के अनुसार, सरकार की गाइडलाइन के अनुसार चलते रहते हैं। मैं आपको बताऊं मेरे गांव में कई समस्याएं थी जो बहुत ही मतलब ये समझो जो गाँव के लिए बहुत ही बड़ी समस्याएँ थी, उनको दूर करना काफ़ी टाइम से बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं आपको बताऊं गांव में एक हमारा ये मैं बताऊं जी, पंडित जी हैं हमारे दीपचंद जी, उनके मकान के पास में हमारा जो गोकुलपुर से गिद्धरपुर का जो रोड था PWD के तहत जो रोड था वो, वहाँ बड़ा ही कड्डे हो रहे थे, कड्डे तो इतने थे कि वहाँ से हमारा आगे स्कूल था राजकीय उच्च माध्यमिक पाठशाला है, बच्चे सुबह जाते थे, स्कूल के अध्यापक आते थे, तो पीछे 5-7 साल से वहाँ निकलना बड़ा मुश्किल था, उनको दूसरा रास्ता देख के आना पड़ता था, वो एक बड़ी बहुत समस्या थी वहाँ से निकलना ही, मतलब लोग अपना रास्ता डाइवर्ट कर लेते थे। क्या आपने वो बिल्कुल पक्का करवा दिया है? हाँ पवन जी, मैंने बताऊँ आपको, वो हमने PWD से गोकुलपुर से गिद्धरपुर की रोड हमने प्रयास से सरकार की मदद से, वो 1.5 करोड़ का काम था, सरकार ने टाइम से, जैसे ही मैं 2016 में चुना गया था, उसके बाद में प्रयास से, सरकार के प्रयास से, सामाजिक जो नेता हैं हमारे उनके प्रयास से हमने वो काम करवाया, उसमें वो काम आज उसकी वजह से हमारी वहाँ जो गांव 2 टुकड़ों में बट रहा था वो आज बिल्कुल वहाँ आना जाना सुगम है। और ये तो एक बहुत ही बेहतरीन कार्य किया है सर, काफ़ी समय से अगर इस तरह की समस्या थी और उससे आपने मेहनत करके अगर दो गांवों को या फिर दो गांव 2 टुकड़ों में बटा हुआ था और उसको मिला दिया, बहुत ही बेहतरीन अच्छा काम रहा है। इसके साथ साथ सर और भी काम किए होंगे आपने? हाँ, दूसरी एक समस्या थी हमारा होली का चौक है, वहाँ पर पानी की बड़ी भारी निकासी की समस्या थी, पानी गांव का वहीं इकट्ठा हो जाता था और बरसात में तो ऐसा हो जाता था
बरसात में वो गांव का जो जो छोर है, जो होड़ी चौक में जिसको मैं बता रहा हूँ, वहाँ पर पूरे गांव का ढलान है, तो बरसात में गांव का पानी वहाँ इकट्ठा हो जाता था और घरों में घुस जाता था, जो एक बहुत बड़ी समस्या थी। वो भी हमने पंचायत राज के माध्यम से, सरकार के सहयोग से, उसमें एक नाला डाला गया जो बाबा जाटा की तरफ जाता है, वो वहाँ गंदा पानी की निकासी करवाई, जिससे उस मोहल्ले को और गांव को भी जब हम आते जाते हैं सबको ही सुविधा मिली। वो भी एक बहुत बड़ी समस्या थी, हमने उसको दूर करवाया। मतलब वो पानी की निकासी आपने जोर तक पहुंचवा दिया पाइपलाइन दबवा करके? बड़ा मुद्दा था ये, काफ़ी सालों से, मतलब ये समझो ना जब से गांव है वो समस्या ही थी जी। और सर जैसे कि बीपीएल लोग हैं हमारे गांव में, होंगे शायद आपके गांव में बीपीएल लोग हैं, उनके लिए क्या कुछ सुविधाएँ जो गवर्नमेंट की तरफ से मिली हुई है उनको लिए क्या कुछ? देखो पवन जी, आज मैं कहता हूँ, मैं मानता हूँ ये हर आदमी सोशल मीडिया से जुड़ रहे हैं, हम ये कहेंगे शिक्षा का स्तर भी हमारा सुधरा है। हर, मैं तो कहता हूँ बच्चे को, हर मेरे भाई को, हर बुजुर्ग को, सबको आजकल ये पता होता है जी, जो सरकार की जो सुविधाएं थी पहले हर आदमी ले नहीं पाता था, बीपीएल जो परिवार था उसको उसका ज्ञान नहीं था। आपके माध्यम से आज सोशल साइड से उनको उस चीज़ों के बारे में ज्ञान हुआ, क्या क्या सरकार की स्कीमें होती हैं, स्कीमों का कैसे फ़ायदा उठाया जाए। और मैं भी जब आता हूँ तो उनको, जब भी मेरे पास कोई ऐसा जो भी लाभार्थी अपना लाभ के लिए आता है, तो हम उनको यही कहते हैं कि ये लाभ है, इस स्कीम का ये लाभ मिलेगा आपको, इस चीज़ की यहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा। हम उनको बताते हैं, उनको वो स्कीम मिल जाती है, किन्हीं को भी कोई दिक्कत नहीं, सरकार की जो हिदायतों के अनुसार जो लाभार्थी उनको सबको लाभ मिल रहा है जी। ये बात मैं भी कहना चाहूँगा, कुलदीप जी की बात को लेकर के सरपंच का दायित्व होता है कि भाई नया क्या कुछ आया है मेरे गांव के लिए, या गवर्नमेंट ने क्या, सरकार ने क्या स्कीम चलाई है जो हर व्यक्ति तक जो मिलनी चाहिए। और सरपंच का यही दायित्व होता है कि वो स्कीमें गाँव में हर व्यक्ति तक पहुँचाएँ और उस स्कीमों को लागू करवाएं, गांव में विकास करवाएं। जो सरपंच कुलदीप यादव ने बताए हैं वो सही है कि वही चीज़ होता है, सरपंच का यही दायित्व होता है कि वो लोगों तक पहुंचाना। मेरे भाई थे, मित्र थे, मेरे साथी थे, विद्यार्थी थे, उन्होंने बताया जी हमारे को एक तो आने जाने की बड़ी समस्या होती है, कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, तो मैंने उनके लिए जो परिश्रम किया, मैं तो ये कहूँगा मेरा काम था, मेरा वो काम है, उन्होंने मेरे को चुन के भेजा वो मेरा काम है, उनके लिए मैंने सरकार के साथ में लग के प्रयास करते हैं। जैसे सरकार की स्कीमें होती हैं, हर गांव में बस की सुविधा नहीं है, जो लोग दौड़ते हैं, भागते हैं, प्रयास करते हैं, मिलते हैं सरकार से, उनके वहाँ सुविधाएं आती हैं, ज़्यादा आ जाती हैं। वैसे तो सरकार का नियम है सब गाँव में विकास करवाना है, लेकिन भाग दौड़ करके, परिश्रम करके आदमी दौड़ता है, भागता है, वो काम करके आ जाता है। तो ऐसे ही हमने एक बस सुबह बच्चों के लिए मैंने चलवाई। अच्छा अच्छा, आपने गांव से सरकारी बस, और मतलब आप अटेली की साइड में चलवाई? नारनौल से चली, नारनौल से नारनौल, और नारनौल से बोचड़िया चली। ये मैंने अपने विद्यार्थी भाइयों के लिए, मेरे युवा साथियों के लिए मैंने थोड़ा काम करना चाहा और वो काम हुआ भी। दूसरा, मैंने जब मैं सरपंच के लिए मैं मेरे भाइयों के बीच में जाता था, तो वो कहते थे जी हमें ग्राउंड की बड़ी समस्या है गाँव में, हम ग्राम से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण एरिया से जुड़े हुए हैं हम, हमें हमारे भाई हैं, मित्र हैं, कोई बड़े लेवल पे नौकरी नहीं लग पाते, थोड़ा आज तो हम कोशिश कर रहे हैं शिक्षा के माध्यम से, हम बड़ी नौकरी भी पा रहे हैं, लेकिन पहले अधिकतर हम आज भी ग्रामीण एरिया में हम फौज की, पुलिस की ये नौकरी कर पाते हैं, उसके लिए हमें तैयारी के लिए ग्राउंड चाहिए। तो मेरे भाई थे, मेरे मित्र थे, वो कहते थे ग्राउंड की बड़ी समस्या है, बारिश आ जाती है ग्राउंड कट जाता है, बारिश आती है ग्राउंड में घास जम जाती है, और ये बड़ी समस्या थी, ग्राउंड नहीं था, उनको रेस मारने के लिए वो स्थान निश्चित नहीं था। उन्होंने कहा जी यहाँ खेल स्टेडियम हो जाए तो बहुत कुछ हो जाए, हमने प्रयास करके सरकार की मदद से, तो मतलब आपने ग्राउंड लेवल तैयार करवा दिया बच्चों के खेलने का ग्राउंड। ये समझो जी खेल स्टेडियम, ब्लॉक लेवल का स्टेज खेल स्टेडियम गाँव बोचड़िया में सरकार ने बनवाया, जो बहुत ही बेहतरीन है। गांव बोचड़िया के इर्द गिर्द जितने गांव हैं, तुर्कियावास गांव से कितनी दूर है सर ये गांव से? बिल्कुल बाजू में, आप गांव में तो खेल स्टेडियम बन नहीं सकता, 6 एकड़ जमीन तो गांव में है नहीं। जहां हमारे गांव के दक्षिण छोर में हमारा सत्तुवाड़ा जोड़ है, उसमें जो जमीन थी उसका भौतिक सत्यापन टेक्निकल जो डिपार्टमेंट होता है उनको जैसे अच्छा लगा, उनको जो जमीन अच्छी लगी वहाँ पर उन्होंने खेल स्टेडियम की स्वीकृति दी। अच्छा। और आज खेल स्टेडियम 2 साल से बन के तैयार है, बच्चे उसमें अपनी शारीरिक परिश्रम करके उसका लाभ पा रहे हैं। जैसे कि आपने सत्तुवाड़ा झोड़ बताया है, तो सत्तुवाड़ा झोड़ के नज़दीक है कोई
स्टेडियम जो वाले झोड़ के अंदर है, अंदर है, उसके अंदर है, उसको झोड़ को सत्तू वाला झोड़ बोलते हैं। अच्छा 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 सर, एक चीज़ मेरे दिमाग में हो रही थी, अभी माइंड से निकल गया, कि हमने गरीब जो लोग हैं उनकी पानी की व्यवस्था की क्या आपने तैयारी की है, क्या भूमि का बनाई है कि भाई पानी की सुविधा और साफ़ सुथरा पानी उन तक पहुँचे, स्वस्थ पानी पहुँचे उनकी। जी पवन जी, आपने एक बहुत ही बढ़िया मुद्दा आपने इस चर्चा में डाला। आज हम समझे जीवन जीने के लिए, देखो वैसे तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन मूल तरीका जो है आज हम बच पाए बीमारियों से तो स्वस्थता का होता है, तो उसके लिए पानी का बड़ा महत्व है, पानी शुद्ध मिले हमें। हाँ पवन जी, मैं आपको बताऊं, जब मैं 2016 में सरपंच बना था तो जो भी देखो गांव में पैसा लगता है वो सरकार के अधीन ही होता है, सरकार ही लगाती है, आम आदमी का पैसा नहीं होता, वो आम आदमी लगा भी नहीं पाता। कोई हम सेवा कर सकते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन बड़ा लेवल पे काम सरकार ही करती है। तो गांव में सरपंच हम मैंने अपना प्रयास किया और सरकार ने पब्लिक हेल्थ के द्वारा मेरे गांव में DI पाइपलाइन डली गई। अच्छा। पूरे गांव में ये ओपन थी, पहले पाइपलाइन थी वो खराब हो जाती है, अंडरग्राउंड थी। देखो आप ये समझो, कोई भी चीज़ की लाइफ होती है, लाइफ होती है, वो जगह जगह फूट गई थी, लीकेज थी और टाइम पे पानी नहीं आ पाता था, लीकेज हो जाएगा तो समस्या आई थी। तो गांव में आज पूरे गांव में आप देखोगे DI पाइपलाइन अंडरग्राउंड डल रही है। अच्छा, अंडरग्राउंड। हाँ, बिल्कुल। और उसके बाद में पब्लिक हेल्थ के द्वारा बोर भी हुए। अच्छा, आज गांव में कोई समस्या नहीं है। सर कितने बोर हैं अपने गांव में? मेरे गांव में 6 बोर हैं। मैं एक बात पूछना भूल गया शुरुआत में कि लगभग कितनी आबादी है अपने गांव में? मेरे गांव में आबादी 10,000 के करीब है। अच्छा, 2400 वोट हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने आप लोगों के सहयोग से, मैं देखो एक धर्म जागरण में विश्वास रखता हूँ और अपने आप को साधुवाद में विश्वास रखता हूँ, साधुवाद मेरी नीति है, मैं लोगों का इस तरह से स्वागत और ये मेरा मैं करता हूँ, मैं विश्वास रखता हूँ धर्म में। मैंने 2010 में एक हमारा बाबा जाटा का कुलदेवता हमारे टाटला गोत्र में संबंध रखता हूँ, तो वहाँ 2010 में मैंने मेरे युवाओं से जुड़ के और मैंने पर्सनल कोच से मैंने एक बोर करवाया था वहाँ पानी का। तो अब मैं जब सरपंच बना तो प्रयास से सरकार के माध्यम से उसको हमने सिटी लाइन से कनेक्ट कराया, आज वो 24 घंटा वहाँ चलता है पानी। हमारे जो कुलदेवता का स्थान है वहाँ पर बोर है जो पब्लिक हेल्थ के अंडर दे दिया हमने और वो 24 घंटा उसमें सुविधाएं हैं। दूसरे मैं आपको बताऊं, वहाँ एक हमारा सत्तू वाला जो मैंने बताया था झोड़ है, जो स्टेडियम जहाँ बना है वहाँ भी पब्लिक हेल्थ के माध्यम से एक बोर बनाया गया। अच्छा, अच्छा। उसको भी सिटी लाइन से डलवाया गया। अच्छा। तो दो हमारे ये मंदिर थे, वैसे दो मंदिर और भी हैं, तो यहाँ पानी की सुविधा हो गई, वहाँ दो झोड़ है उनमें भी पानी जाता है, मंदिर में पानी की सुविधा है। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, पानी की चर्चा हम कर रहे हैं कि पानी की चर्चा के अंदर मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि लाइट आती है तभी वोट चलते हैं। बिल्कुल। अब आपके महेंद्रगढ़ जिले में आ गया है RK इंटरप्राइजेज। किसान भाइयों के लिए खुशखबरी ये है, अब आप बनवा सकते हैं ट्रैक्टर के लिए ट्रॉली व डंफर, साथ में आप बनवा सकते हैं चौखट, जंगले, लोहे से बने अन्य वस्तु, नए पुराने पोली हाउस बेचने या वे खरीदने के लिए संपर्क करें। यहाँ पर मिलेगी आपको लोहे से बनी विभिन्न प्रकार की हर वस्तुएं, लोहे के ट्यूब, एंगल व पंप लेने के लिए भी संपर्क आप कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है नजदीकी शिव शक्ति धर्मकाटा मोड़ी मंदोला रोड भोजावास जिला महेंद्रगढ़, आपका अपना RK इंटरप्राइजेस भोजावास। संपर्क करें 9416773726 व 7015828460। मेरी बात घूम रही है थोड़ी सी। हाँ, हाँ। कि हो सकता है 1% एक दिन या दो दिन के लिए लाइट ना आए। जी जी। तो उस दौरान पानी का क्या बंदोबस्त किया हुआ है गांव की में, उसके गांव के लोगों के लिए? जी जी। पवन जी मैं बताऊं, आप भी जिस परिवार से रहते हो, जिस गांव से रहते हो, आज हर घर में कम से कम जिस घर का जो परिवार सामर्थ्य नहीं है उसने सरकार से उसने सहयोग लिया हुआ है। हर घर में मैं ये समझूंगा 500 से 1,000 लीटर की तो टंकी है, और उसके बाद में एक अपना अंडरग्राउंड होद भी होता है। आज हर परिवार में वैसे मुद्दे कुछ भी बन सकते हैं, हर घर में हर परिवार में 2,000 लीटर पानी का स्टॉक हर आदमी लेके चलता है। मैं लाइन की पानी के मैनेजमेंट की मैं बात करूं, हमारे गांव का मैनेजमेंट कुछ पानी का अच्छा है। एक तो लाइट आती है 18 घंटे, हमारे यहाँ जो लाइट के बिल हैं
वो बहुत टाइम से जाते हैं, गांव में जागरूकता है, सब घरों में सब में जागरूकता है, वो लाइट जो यूज़ करते हैं उसका बिल भरते हैं जी। उसके हिसाब से हमारे गांव में जल जो सरकार की योजना थी जगमग योजना, उस के तहत हमारा गांव जुड़ रहा है जी। तो लाइट 22 घंटे आती है और उसके हिसाब से पानी हमारा प्रॉपर आता है। आप रही बात, आप कहते हो जी ट्यूबवेल ख़राब हो गया, ट्यूबवेल ख़राब हो जाता है तो हमने ऐसा कर रखा है जी, जो 6 ट्यूबवेल हमारे, इनमें आपस में कनेक्टिविटी कर रखी है। अच्छा, अच्छा, तो एक ट्यूबवेल फेल हो जाता है, है जी, वोल सिस्टम बना रखा है, हाँ वोल सिस्टम कर रखा है, तो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, तो तकरीबन समस्या सोल्व हो जाती है, बाकी समस्याएं आ जाती है। बाकी कुलदीप जी बहुत अच्छा किया हुआ है, अपनी कनेक्टिविटी बनाई हुई है एक दूसरे बोर से, लेकिन फिर भी मेरा आपके आपसे भी और मेरा और जो साथी सुन रहे हैं या गांव उस और गांव के सरपंच सुन रहे हैं उनसे भी मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जहां तक मुझे लगता है कि हर मोहल्ले वाइज एक ऐसी टंकी साफ़ सुथरी बनाई जाए कि हो सकता है कि लाइट का कुछ भरोसा नहीं होता, क्योंकि ये सब आधुनिक चीज़ें हैं और कुछ नहीं पता होता हमारा, हो सकता है कि घरेलू पानी भी ख़त्म हो जाए जो हम स्टॉक करके रखते हैं 2,000-3,000 लीटर तक, तो वो जो हम उसके लिए प्रॉपरली हम ऐसी व्यवस्था बना के रखें कि गाँव वाइज मोहल्ले वाइज कि हम पानी करीबन काफ़ी सारा स्टॉक करके रख सकें ताकि वो मतलब सुविधा बन जाए भविष्य के लिए। आपका कहने का तरीका बिल्कुल अच्छा है, जहाँ पानी की ऐसी टंकी की बात थी, गांव के अंदर टंकी की जो ज़रूरत अब है नहीं, तो पहले जो टंकी जो बनी हुई थी वो डैमेज थी, उसमें लीकेज था, पानी की बड़ी वेस्टेज थी, एक एक बूंद पानी की बहुत ही आवश्यकता होती है, कीमती होती है, इसकी कोई मूल्य नहीं है पानी का। और जहाँ पानी की टंकी की ज़रूरत है वहाँ पानी की टंकी ऑलरेडी हमारे गांव में है, ग्राम महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती है उसमें पानी की टंकी है जो समय समय पर भरी जाती है सुबह शाम, और लोग उससे अपना पानी का काम चला लेते हैं। ये बहुत अच्छा है सर। पर्यावरण को लेकर के गांव में क्या कुछ कदम उठाए गए हैं आपकी योजना के अंदर, कितने पेड़ लगवाए हैं और क्या उनकी देख रेख हुई है, प्रदूषण को लेकर के क्या हुआ, पहले आप पेड़ों के पर्यावरण के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल, पर्यावरण भी ज़रूरी है जीने के लिए जी सर। पर्यावरण के लिए मैंने बताया हमारे दो जोड़े हैं, बाबा जाटा और बाबा सत्तू वाला, तो उसमें पेड़ लग रहे हैं, लगवाए भी हैं, पब्लिक जो अपना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने भी पेड़ लगाए हैं जी जी। तो हम पेड़ों के लिए जागरूक हैं और समय समय पर सफाई अभियान चलता है, वो भी पर्यावरण का हिस्सा है। तो सर लगभग कितनी ग्रांट आपकी योजना में आ चुकी होगी लगभग नियर अबाउट, और कितनी आप लगा चुके होंगे? पवन जी मैं आपको बताऊं, ये देखो हमारा जो सरकार ने हमारे गांव में विकास कार्य करवाए, एक तो मैंने आपको फर्स्ट में बताया गोकुलपुर से गिद्धरपुर तक वो 1.25 करोड़ का रोड बना, राजकीय उच्च पाठशाला से कनीना PWD रोड तक वो रोड बनवाया 50 करोड़ रुपये का, PWD से बना, RD स्कूल से कारिया होते हुए PWD कनीना अटेली रोड तक वो 50 लाख का रोड बना PWD से। अच्छा। RD स्कूल से तुर्कियावा से गांव की सीम तक वो ग्राम पंचायत ने रोड बनवाया, करीब बनाया वो 7-10 लाख रुपए तक का। जी जी जी। RD स्कूल से गुजरवास रोड तक जी। वो पंचायत डिपार्टमेंट पंचायत एक्शन ने बनवाया, वो तकरीबन 48 लाख का बना, वो रोड बन रहा है, कुछ बन गया, कुछ आगे काम चल रहा है जी। ये थे इधर हमारे गांव के कनीना पिरोड़ी रोड की तरफ के विकास जी। अब मैं आपको बताऊं गांव के अंदर के रोड जो गलियों के रोड होते हैं उसमें तकरीबन ये समझो 80-90 लाख रुपए के रोड हमने बनवाए हैं गाँव में जी 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 जी। तो जो मैं कोई भी गली अभी नहीं होगी गांव में कच्ची, मेरे हिसाब से अभी भी 2-4 हैं। अच्छा, वो अभी प्रस्ताव हैं हमारे बीच में, सरकार के गाइडलाइन के अनुसार आ गया था भी सरपंच इतने रुपए का काम नहीं कर सकते, तो काम विकास कार्य रुक गए थे। अच्छा, तो कुछ गलियां हैं वो अभी 30-40 लाख रुपए की गलियां हैं, वो इस्टीमेट बन चुकी है और वो गांव पंचायत में पैसे हैं तो मतलब ये आपकी योजना में बन जाएंगे, बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। 1.5 महीने में आप आओगे तो गांव में ऐसी कोई गली नहीं रहेगी जो कच्ची मिलेगी आप भाई। तो जो गलियों गलियों की जो लाइटों को लेकर के क्या कुछ जैसे कि आपने क्या में? देखो वैसे तो अपन गांव बस्ती से रहते हैं, आप भी गांव से जुड़े होंगे शायद, तो गांव में अपन तकरीबन तो सब घर अपना यूज करते हैं लाइट और बिल्कुल सोलर लाइट की मैं कहने वाला था, उसकी क्या सुविधा की है कि गांव में? जब 2017 में सोलर लाइटें लगी थी जो अपना काम कर रही हैं, कुछ सोलर लाइटें वीक हो जाती हैं, बैटरी आपको पता है 3 साल में बैटरी वीक हो जाती है, बाकी काम चल रहा है, वो
अपना काम करती हैं, कुछ कम करती होंगी लेकिन उनकी सुविधाएं हैं गांव में। तो ये हमारा जो आपसे आज हमने रूबरू करवाया है आपको बोचड़े गांव के सरपंच कुलदीप यादव से, और मैं अब कुलदीप सर से पूछना चाह रहा था कि आपके जो कितने विकास कार्य बचे हुए हैं जो आप उनको पूरा करवाने वाले आने वाले कुछ समय में जो नए इलेक्शन होने वाले हैं उससे पहले पहले सर बताएंगे कुछ? भाई साहब मैंने आपको बताया गांव में पानी की समस्या थी, पानी का समस्या का हमारा नए कार्य जो आपके सारा एक एक करके आपको बिल्कुल बताता हूँ। पानी की समस्या थी वो सोल्व हो गई, गांव के जो लिंक रास्ते थे वो तकरीबन हो गए। अभी एक प्रतापपुर का रास्ता है उसमें काम अभी 10 दिन में या 5-7 दिन में चालू हो जाएगा। उसके बाद में एक सुजापुर का रास्ता है, वो समझो हमारे विधायक जी हैं सीताराम जी, काफ़ी संघर्षशील हैं और हाँ एक उनके गांव को जाता है तो वो उन्होंने कहा जी ये रास्ता अपन जल्दी बनवाएंगे, अभी जैसे भी सरकार के विकास कार्य रुक रहे हैं और जैसे ही कोई ग्रांट आएगी तो फर्स्ट ग्रांट वो उसमें लगवाएंगे। दूसरा एक गनियार का रास्ता था, तो गनियार का जो हमारा बीच से ये अपना समझो आप नारनोट से रेवाड़ी जो रोड है ये बीच से निकलता है, वो दो पार्ट में बांट देता है गाँव को ना, गनियार को और बोचड़िया को, तो वो एक रास्ता हमारा पेंडिंग है। तो उस पर भी सीताराम जी जो अपने MLA हैं दिल्ली से उन्होंने कहा जी ये भी रास्ता बनेगा। और मैं बताऊं ये रोड का विषय था, ये तकरीबन हमारे 2 रोड छोड़ के कंप्लीट है। पानी का मैंने आपको बताया 6 बोरे गांव में पानी की कोई समस्या नहीं है। दूसरा शिक्षा की बात थी, हर आदमी हर गांव का समाज का व्यक्ति चाहता है मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। शिक्षा के लिए हमारे गाँव में बहुत ही आधुनिक कहूँगा मैं, सरकारी स्कूल है वैसे लेकिन आधुनिक है वो, उनके हमारे प्रिंसिपल साहब जो हैं ये समझो हमारे BDO जो ब्लॉक के BLO हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, और उन्होंने अपने प्रयास से गांव के प्रयास से गांव स्कूल में शिक्षा का जो माहौल एक प्राइवेट संस्था मिलता है वो मेरे गांव के स्कूल में बच्चों को मिलता है। अच्छा स्कूल है, उसमें +2 तक हमारा स्कूल है, जब मैं 2016 में चुना गया था उस टाइम +2 तक हमारा स्कूल सेंक्शन हो चुका था लेकिन उसमें स्टाफ नहीं था। हमने प्रयास किया, आज हमारा स्कूल साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, उसमें तीनों संकाएं चलती हैं, पूरा स्टाफ है। बाकी मुद्दे चलते हैं, वो चलते रहेंगे, विकास होता रहेगा। बिल्कुल, ये तो आपका विकास कार्यों का ब्यौरा था और आपने बताया कि आने वाले समय में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए, आपको बताने के लिए धन्यवाद सरपंच साहब आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत पवन जी आपका, आपने हमारा आज यहाँ संबोधित लिया, मैं आपका वेलकम करता हूँ, आप ऐसे जुड़े रहें सामाजिक संगठनों से, और मेरे साथियों को भी आप टाइम टू टाइम पे मैसेज करते रहे, आपस में एक दूसरे को हम सुनते हैं जुड़ते हैं तो काफ़ी सीखने को मिलता है। मैं कहूँगा एक इंसान होता है उसको देखो हर चीज़ का अनुभव नहीं होता है, एक दूसरे से जुड़ते हैं समझते हैं सीखते हैं तो अनुभव हर लास्ट तक हम जो अपने जो जीवन के अंतिम छोर होते हैं वहाँ तक भी अनुभव की ज़रूरत होती है। मैं आप सब लोगों का आप दर्शकों का आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपको साधुवाद देता हूँ। थैंक यू सर।